हम सबकी जिंदगी कहानियां जैसी नहीं होती, लेकिन हर इंसान की जिंदगी कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे अपने आप में कहानी जरूर बन जाती है। कुछ पलों की तरह एक नदी बनके बहते हुए वक्त के समंदर में खो जाते हैं। यूं तो हम कभी नहीं भूलते कि इस सफर में हमने कितने किनारों का सहारा लिया, पर वो पल, वो सफर, वो यादें मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं। मैं हूं साहिर, साहिर खान, कुछ कुछ आपके जैसा पर बहुत कुछ आपसे अलग। आज अपनी मिट्टी से मीलों दूर यहां खड़े होकर न जाने कितने ख्यालों के समंदर में अपनी कश्ती लिए निकला हूं। ये हवाएं जब मेरी रूह को छूती हैं तो मुझे अपना अतीत याद आता है। मुझे आज भी याद है वो दिन, या यूं कहें रात, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरा ही अंधेरा था। आखिर ऐसा क्या घटा मेरी जिंदगी में जो मुझे लाखों की भीड़ में अकेला कर गया। है तुषार मेरा सबसे जिगरी दोस्त, और ये जनाब है मैंडी। दो मिनट में कोर्ट खाली करो या हमने रॉकी वाई खेलेंगे। तो ये अपने रॉकी बाय और उनका दायां हाथ राठौर, पूजन राठौर। कोई बात नहीं यार, अब तुझे हराना ही पड़ेगा। तुषार यार, तुझे चोट लगी है यार, तू थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जा। ठीक है यार, मैं जाता हूँ बाहर, मगर इनको हराना जरूर।
जैसा कि हर हिंदी मूवी में होता है, हम जीते वो हारे, पर मुझे नहीं पता था कि यह हार मुझ पे कितनी महंगी पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, देखते हैं इसके आंसर पहले कौन निकालता है। हो गया सर। अरे रॉकी, ये तूने क्या कर दिया यार? अरे साहिर, तू यहाँ बैठा है? पूरा कॉलेज ढूंढ लिया यार तुझे, क्या कर रहा है इधर? यार तुषार, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। यार कितना जिएगा तू तनाई में, चल मेरे फ्लैट में चल।
कमिंग। यू हाउ डेयर यू कम हियर। भाई रुक तो, अपने रॉकी भाई कुछ कहना चाहते हैं। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इमरान यार मेरी बात तो सुन। बस यार, और किसको अंधा करोगे यार? इरफान वन मिनट, यू एंड यू गेट आउट। आई सेड गेट आउट, बोथ ऑफ यू गेट आउट। आई सेड ना भाई चले जाएंगे। नो आई वोंट लिसन टू यू, गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम मी। तुषार इमरान रुको यार, मेहमान भगवान समान होता है यार, बैठने दो इन्हें। साहिल यार तेरे साथ जो उस दिन हुआ उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ यार। मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, मगर जो कुछ हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मगर मैं आगे के लिए तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ यार, मैं अपने दिल से तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब क्या करोगे यार तुम? साहिल मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और मैं इसमें अटल भी रहूंगा कि मैं अपनी आंखें तुझे डोनेट कर दूंगा। भाई भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? रॉकी यार क्या बात कर रहा है, अगर मैंने तुझसे आंखें ले ली तो जिस पश्चाताप की आग में आज तू चल रहा है उसमें कल मैं चलने लगूंगा। सी आई एम जस्ट नॉट इन अ मूड टू सी दिस मेलोड्रामा, बट इफ यू बोथ वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड कम एंड हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। What is a cornea transplant? The cornea is a clear cover on the front of the eye that has multiple layers. In this video, the damaged cornea is removed and a donor cornea is stitched in place. The new cornea, the lid, is cut precisely to match your eye part. Special instrument ensures a perfect fit and microstitches keep the new cornea in place. A new technique known as the disc can then be used to replace the smaller amount of tissue inside the cornea. The new cornea tissue is inserted through a micro insertion and an air bubble is used to hold it in place. The disc cornea transplant is performed as an outpatient procedure. It takes about 30 minutes and then you are on your way. This is the project which I have made for my friend Sahil, but it requires some money. भाई आइडिया तो पापी है भाई, प्रोजेक्ट भी पापी होगा भाई। और अब जो रॉकी भाई ने किया वो सचमुच तारीफ के काबिल था। ना भाई कुछ बोलना चाहता है क्या? Friends, a tragic accident has taken place in a college last week. One of our friends, Sahil Khan, has lost his eyes in that accident. So here, we have chance to do something for our friend. So, brother, सीधा सा बंदा है। जो जो लोग donation देना चाहते हैं, बताओ। मैं दूंगा donation। मैं दूंगा donation। मैं दूंगा donation। दिल में मेरे कुछ सपने बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। रॉकी भाई ने मेरे ऑपरेशन के लिए इतना कुछ किया पर ये क्या किया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। भाई क्यों जा रहे हो भाई? यार पूजन ऐसे काम करके अब मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता यार। के बिना मेरा और मैटी का क्या होगा भाई? यार पूजन इस बात का गम तो मुझे भी है ना।
ना मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, ना मैं एक अच्छा दोस्त बन पाया। भाई भाई बिना बताए जा रहे थे भाई। यार मैं जाते जाते और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। भाई हम भी आपके साथ चलते हैं भाई। देखो यार तुम लोग यहीं पर रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जो मिशन स्टार्ट किया है उसको तुम मेरे हाथ बनकर आगे ले जाओ। मैं यहाँ पर लौट के तभी आऊँगा जब मैं पूरी दुनिया से ब्लाइंडनेस को जड़ से खत्म नहीं कर देता। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। साहिल तेरे पट्टी खोलने का वक्त आ गया यार। यार तुषार, यार सबसे पहले मैं रॉकी को देखना चाहूंगा यार। यार रॉकी दिन नहीं है यार। नहीं यार मुझे रॉकी को देखना है यार। यार तू अभी के लिए पट्टी खोल दे यार। ठीक है आराम से खोला। साहिद तू देख पा रहा है? साहिद तुझे दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ यार पता नहीं क्यों दिख रहा है यार। मैं देख पा रहा हूँ यार। वाह यार, यार मैं देख पा रहा हूँ तुझे यार। रॉकी कहाँ है यार? कहाँ रॉकी? क्या बताएं यार, रॉकी कहाँ है यार? रॉकी यार कल ही ये कंट्री छोड़ के जा चुका है। क्या? हाँ यार ये झूठ है यार। सही में यार वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यूएसए जा चुका है और वो यहाँ पे तब तक नहीं आएगा जब तक प्लैनेट्स को दुनिया से हटा नहीं देता। यार एक ही तो सच्चा दोस्त मिला था यार, मैं उससे भी नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं। और मैं उससे नहीं मिल पाया, एक अधूरी कसक सी रह गई। पर आज भी देखता हूँ भाई को, नाम बदल गया है, रॉकी से डॉक्टर रॉकी मल्होत्रा जी हो गए। अक्सर ब्लॉग्स पेपर्स और अखबारों में आर्टिकल पढ़ लेता हूँ भाई के। और हाँ अखबार वाले कहते हैं भाई के नाम 6-7 पेटेंट भी हैं। रॉकी भाई के जाने के बाद मैंडी राठौर और तुषार ने रॉकी भाई के ही प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत करके लाचार लोगों के लिए एक छड़ी बनाई जिसमें लगे सोनार रेडिएशन और उससे होने वाले वाइब्रेशन से व्यक्ति सामने आए ऑब्स्टिकल से बच सकता है। मुझे तो रॉकी भाई जैसे सेवियर मिल गए पर सबके लिए संभव नहीं, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अपने ऑर्गन्स डोनेट करें ताकि किसी लाचार की जिंदगी बच सके। चाहे काटो भरी राहें हो।
मंजिल बहुत दूर, पंख लगा के हिम्मत की, चूम ले अपनी मंजिल तू।